नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो चुकी है और इसी के साथ अब अनलॉक की तैयारी हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट के जरिए राज्यवासियों से अनलॉक कैसा हो इसके सुझाव मांगे हैं। तरह तरह के सुझाव भी आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी हैं। सर, आपका एसडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। अब क्योंकि झारखंड में कोरोना संक्रमण का दर 1.5% ही रह गया है, तो ऐसे में क्या लग रहा है, अनलॉक की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को हम लोग बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं कि इस विकट परिस्थिति में जो अफरा तफरी मचे हुए थे, ऐसा 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक था कि एम्बुलेंस की आवाज़, हॉस्पिटल में बेड नहीं, एक दूसरे से लोग सटते नहीं थे, लगा कि अब क्या होगा किसी को पता ही नहीं था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सूझबूझ से पर झारखंड नियंत्रण में आया और तमाम राजनीतिक दलों के जितने हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, मंत्री, सभी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राय लेते रहे, सुझाव, और अभी झारखंड कहा जाए तो नियंत्रण में है। और आगे क्या होना है जो हम लोग सोच रहे हैं, जो हम लोग बोलना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री जी खुद करके रेडी रहते हैं। तो मेरा पूरा प्रयास है कि अभी खास करके कि जीवन आजीविका, आदमी जिंदा भी रहना है, आजीविका धंधा रोजगार चलना चाहिए जी। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस पर सोच रहे हैं और जो दुकानें बंद है, बहुत कपड़ा को हो या दुकान है, जो होटल बंद है, सभी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे और जो भी निर्णय लेंगे जनता के हित में लेंगे, जो निर्णय लेंगे वो सर्वमान्य होगा। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? हम अनलॉक कैसा होना चाहिए? क्या पूर्ण जो अभी जिस तरीके की पाबंदियां और छूट दी गई है, जैसे कि 2 बजे तक ही मार्केट खुले रहते हैं, एसेंशियल जो सर्विसेज है वो चालू है, तो इस तरीके के सुझाव को आप कैसे देखते हैं, क्या देना चाहते हैं? साथ ही जो पाबंदी है उसको बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए, इस पर क्या? देखिए, स्थिति और परिस्थिति, क्योंकि रांची बात नहीं पर झारखंड का मैटर है, 24 जिला को, सभी स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ ढीला भी होगा, कहीं कहीं ज़रूरत है तो कड़ाई भी किया जाएगा, क्योंकि अभी टीकाकरण अभियान चल रहा है और ऐसा नहीं कि कोरोना मुक्त हो गया। कोरोना भी जो 2020 में लोग सोचे कि ख़त्म हो गया और 2020 के जो वैश्विक महामारी थी, मतलब कमज़ोर था, हम लोग पूरा घूमे फिरे, काम किए, 2021 तो पूरा हिला दिया झारखंड को। तो ऐसा नहीं कि हम लोग मुक्ति पा रहे हैं, अभी नॉर्मल हुआ है, इसी में सब कुछ करना है और आगे भी हम लोग सोशल डिस्टेंस ध्यान रखते हुए काम करेंगे। और मेरा सुझाव है कि सबको ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी खुद निर्णय लेंगे, क्योंकि जीवन जीविका ध्यान में रखते हुए और पूरी तरह से अनलॉक ना हो, ये भी आप कह रहे हैं? हाँ, पूरी तरह से अनलॉक होने से फिर काम धंधा सब ठप हो जाएगा, धीरे धीरे कुछ कुछ लोगों को ढीला, मतलब उसे कपड़ा दुकान 2 घंटा खुले, मतलब पाबंदियां रहे लेकिन धीरे धीरे चीज़ें खुले। उसे होटल बंद है 2 घंटा खुले, रेस्टोरेंट वगैरह, बस मान लीजिए 100 बस चलती होगी झारखंड भर में, 500 बस, 100 को चले। अभी तो सर एक भी बस नहीं चल रही है, अभी नहीं चला, लेकिन आवागमन दिक्कत नहीं हो तो सभी ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे और हम लोग उसको में मोहर लगाएंगे। सर, आपसे मैंने सुझाव के बारे में पूछा, मुख्यमंत्री जी का आपने तारीफ भी किया कि मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश और नेतृत्व को देखते हुए झारखंड में कोरोना संक्रमण जो है वो कम हुआ है, लेकिन क्या कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का भी हाथ रहा है झारखंड में? क्योंकि अब झारखंड जो है वो 5वां ऐसा राज्य है जहाँ पर कोरोना संक्रमण मरीज सबसे ज़्यादा कम है और बहुत जल्दी से रिकवर झारखंड किया है, तो ऐसे में क्या केंद्र सरकार को भी क्रेडिट देना चाहेंगे? ऐसे इस आपदा के घड़ी में, क्योंकि देश और प्रदेश इसमें जात पात से और राजनीति से ऊपर उठ करके सबको COVID-19 से लड़ना है, इसलिए किसी को टिप्पणी करने से
बचना चाहिए। भारत सरकार को जो जितना बन सके राज्य सरकार सहयोग करना चाहिए। अभी जैसे टीकाकरण की कमी है, माननीय मुख्यमंत्री जी लेटर लिखे हैं, और दवा दो तरह का हो गया, एक ही दवा रहना चाहिए, कोविड से चल रहा था तो कोविड से ही रहना चाहिए, और एक होना चाहिए था कि 18 से ऊपर वाले जितने हैं सभी को टीका लगाया जाएगा। ये हो गया कि 18 से 45 फिर 46 प्लस कन्फ्यूज हो गया सब प्राधिकारी। देश में प्रदेश में एक नीति एक नियम लागू होना चाहिए ताकि सब कुछ सहूलियत हो। अभी लोग घूम रहे हैं टीकाकरण के लिए तो 18 से 44 के भीड़ लग रहा है तो टीका नहीं है, 46 प्लस वाला जो है तो इसमें तो फिर राज्य सरकार की कमी है ना। राज्य सरकार जो टीका है ही नहीं है, राज्य सरकार टेंडर कर रहा ही नहीं। टीकाकरण के जो वैक्सीन है तो भारत सरकार दे रही है, तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार के साथ समन्वय मिलकर भारत सरकार को काम करना चाहिए ताकि आम लोगों को सुविधा हो, सहूलियत हो। अच्छा। सर आज तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि टीका के लिए राज्य सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन वहीं विपक्ष आरोप लगा रही है कि आप लोग खजाना में पैसे रखें लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और सिर्फ केंद्र सरकार के ही भरोसे बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार को तो सभी राज्य को से मदद करना चाहते हैं, तो झारखंड को सतला व्यवहार नहीं करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री लेटर लिखे हैं कि भाई हम लोग को सहयोग कीजिए ताकि अधिक से अधिक टीकाकरण हो सके, तो वो लगता है कि सप्ताह में दल से ऊपर उठ करके सबका काम होगा, सबको टीका लगेगा। तो हमारे साथ श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी बात कर रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो सुझाव मांगे हैं अनलॉक को लेकर, उसमें इन्होंने भी सुझाव दिए हैं कि अनलॉक हो लेकिन पूरी तरह से कुछ भी चीज़ बंद ना हो, पाबंदियां लागू रहे उसके बाद अनलॉक हो ताकि जीवन भी चल सके और जीविका भी चल सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही, तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें DSTV न्यूज़।